YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन की जोनल कमेटी सदस्य और 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली बीरेंद्र यादव ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 214 सीआरपीएफ बटालियन कैंप परिसर में आयोजित समारोह में पलामू प्रक्षेत्र डीआईजी विपुल शुक्ल व सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक जयंत पाल के समक्ष कुख्यात बीरेंद्र ने आत्मसमर्पण किया। जानकारी के अनुसार पुलिस के लिए काफी समय से सिरदर्द बने हुए नक्सली बीरेंद्र यादव के नाम लातेहार, हेरहंज, नेतरहाट, गारू, मनिका सहित बरवाड़ी थाने में करीब 1.5 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस क्षेत्र में यह आतंक का पर्याय बन चुका था। समारोह में लातेहार उपायुक्त राजीव कुमार, एसपी प्रशांत आनंद समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं समारोह के दौरान डीआईजी श्री शुक्ल ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। कहा कि आत्मसमर्पण नीति के कारण नक्सली समाज की मुख्य धारा में अब धीरे धीरे लौट रहे हैं, यह सकारात्मक बातें हैं। अभी जो हाल में एनकाउंटर एक हुआ था दस्ते का, उसके बाद लगता है उसका इम्पैक्ट इस पे और भी पड़ा। अब उन लोगों के जो 4 लोग मारे गए उसके बाद ये उसी दस्ते में था, तो इसने हाथ में निर्णय लिया कि अच्छा रहेगा कि हमको 30 केसेस हैं अब तो गारू मैंने मनिका से लेकर गारू तो 30 महत्वपूर्ण सीएल है जिसमें कि सभी धाराएं आम सेट लगा हुआ है, सीएल लगा हुआ है और यूएपी लगा, बहुत से केसेस लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये और श्रवण यादव के दस्ते का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था और पूरा आप समझिए कि एक इलाका इसके इसके नाम से एक समय में वो चलती थी, टूटी होती थी। अभी जो हाल में एनकाउंटर एक हुआ श्रवण यादव दस्ते का, उसके बाद लगता है उसका इम्पैक्ट इस पर और भी पड़ा कि नहीं अब उन लोगों के जो 4 लोग मारे गए उसके बाद ये उसी दस्ते में था, तो इसने हाथ में निर्णय लिया कि अच्छा रहेगा कि हमको सौ के ऊपर और जो इसने आज मंच से आपके सामने कहा है और जो हम लोगों ने आश्वासन दिया है, मैं समझता हूँ कि इसको देखा देखिए और भी लोग आपसे करेंगे मैं उनको क्लियर रहा, क्योंकि जो उन्होंने किया है जैसे 30 केसेस हमको लीगल लड़ाई तो लड़नी पड़ी। अब यह है कि एक पहले लड़ाई जो होती थी उसमें क्या होता था कि हम जो भी केस होता था तो हम भी उसको उसका विरोध करते। अब जब ये इसमें नीति में आ गए हैं तो पहले तो जैसा भाया कि जो वकील का पैसा है वो हम लोग देते हैं, साथ में हमारा जो विरोध है जो हमारा घट जाता है। तो कई बार उसके बाद में उसके बाद धीरे धीरे का जो अपना है, तो ये जो कहना कि कहाँ से प्रोडक्शन आ गई, क्योंकि जितनी जानकारी हमको रहती है वो तो हम लोग आपके सामने दे देते हैं, उसके बाद मालूम पड़ता है कि बाहर के जो राज्यों में केसेस इनके ऊपर, तो जब उनको मालूम पड़ता है ये इनको कन्विंस करना पड़ता है बहुत चीज़ों से हमको निकालना पड़ता है। और जैसे आप अगर कहीं जा रहे हैं, लड़ाई हो गई, एनकाउंटर हो गया, गोली चल गई, मर गया, लेकिन वो तो तुरंत मामला खत्म हो गया, लेकिन किसी को ये बताना कि आप मुख्य धारा में आ जाइए, क्योंकि ये ब्रेन वॉश लोग हैं, इनकी ब्रेन वॉशिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कहते हैं कि नहीं सरकार बोलती है, झूठ बोलती है, सरकार कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती है, लेकिन इनको उस ब्रेन वॉश से बाहर निकालना, करके लाना, कन्विंस करना है बहुत बड़ा एफर्ट, कभी कभी 6 महीना, कभी 8 महीना, कभी 1-1 साल लग जाता है। तो ये पूरा प्रयास जो है वो लातेहार पुलिस एसपी लातेहार के नेतृत्व में, सीआरपीएफ और कमांडेंट साहब के नेतृत्व में, ये सारा जितना भी अभी हो रहा है ये ज्वाइंट टीम के रूप में जो कार्य करते हुए और हम लोग सफल माने वीरेंद्र को आज सफल कराने में सफल। आने का कोई ऐसा कारण नहीं था, गांव में आते थे लोग तो रहते रहते बात करते, थोड़ा दिल लग गया था। फिर अब संगठन से छोड़कर फिर अब मुख्य धारा में आइए, आने का कारण क्या है सरेंडर करने का? देखिए संगठन में जिस तरह से जितना दिन रहने का इच्छा था उतना न रहे, फिर जो सरकार का पड़ोसी है उसमें मेरा हुआ कि नहीं चले जाना वहाँ, ठीक है तो अपना डिसीजन ले लिए कि मैं वहाँ जाकर क्या समर्पण करके अपना अमन चैन से रहने का। संगठन में थे तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था? संगठन में तो परेशानी तो ऐसे हो ही थी, क्या टाइम से खाना नहीं, टाइम से सोना नहीं, टाइम से कुछ नहीं होता था, परेशानियाँ तो बहुत थी। आपको क्या लगता है अभी संगठन किस राह पर अभी वो चल रहा है, माओवादी संगठन? देखिए माओवादी संगठन तो राह पर चल ही रहा है, क्या बोला जाए उनका, कितना उनका कि उनका जो अभी के रेट में जो विचारधारा है कितना सही है, कितना कितना गलत है, इसका मूल्यांकन बताइए। विचारधारा में कोई गलत नहीं, यहाँ पर जो लीडर है व्यक्ति विशेष में उन पर वो लोग परेशानी किस तरह की परेशानी करते हैं?
परेशानी क्या करेंगे, अपना है से नेतृत्व है तो नेतृत्व का रुख दिखाते हैं। क्या लगता है अब आत्मसमर्पण कर पुनः अपने परिवार के साथ रहने आने को आए हैं, पुलिस के समक्ष आए हैं, तो पहले और अब में कितना अंतर आपको लग रहा है? सरेंडर करके कैसा महसूस कर रहे हैं? सरेंडर करके अच्छे महसूस कर रहे हैं, अपना घर पर रहेंगे, अपना निकल करके अपना सब परिवार के बाल बच्चे साथ। पहले अपने परिवार से मिलने में कितनी परेशानी होती थी आपको? परेशानी तो होती थी, लेकिन